I request GM to come and take my booking in the metro. Sir, GM now. आवाज नहीं आ रही, भूख लग रही है। बोलो वालेकुम सलाम। सबसे अहम बात यह है, आजकल आपके जो आमेर सर है, एक प्रिंसिपल के साथ साथ जो आज को एक साल तीन महीने होने को आ रहे, जो लोगों की नजर में मेरी एक पहचान है, जो जज़ाकअल्लाह खैर फाउंडेशन, तो मैं ज़्यादा फेसबुक पे लाइव देता हूँ, मैसेजेस देता हूँ, तो व्हाट्सएप पे, तो एक छः साल की लड़की को जो प्रॉब्लम था, बर्मा की लड़की, तो उसके दरमियान में फौरन आमिर भाई ने कॉल किया, कॉल करके बोले दाऊद भाई अकाउंट नंबर बोलिए, मुझे उस बच्ची के लिए हेल्प करना। एक बार क्लास प्लीज आमिर सर। है वो बच्ची तो अब मैं आमिर सर को नहीं बोला, वो बच्ची अब मरहूम है, 9 महीने हो गया वो बच्चे का इंतकाल हो गया। सिर्फ चंद दवाओं के खातर, छोटी सी रकम से वो बच्चे की जान बच सकती थी, फिर भी मैं बाद में पोस्ट डाला हूँ, शायद वो देखिए नहीं देखे। तो इसी दरमियान में तो आज के स्कूल के ताल्लुक से कुछ बोलूँगा कि झूठ बोलते भी थे हम जब सच लगते थे उनको, क्योंकि वो दिन बचपन के थे। और लड़कियों के लिए ये बोलूंगा कि रोशनी चिरागों से होती है, ये हमारे बड़ों का ख्याल है, मगर आज के दरमियान में हर लड़की घर में रोशनी कर रही है, माशाल्लाह। बहुत लोगों ने ये सवाल उठाया कल, कहा कि दाऊद प्लीज वुमेन्स इंटरनेशनल डे पे आपका लाइव वीडियो दो, तो मैंने खामोश बैठा, बस जब बोलना था तभी बोलूंगा। इंटरनेशनल वुमेन्स डे तो सब मना रहे हैं, मगर आज कोई माँ अपनी बेटी को बीबी आयशा नहीं बना रही है, बीबी जैनब नहीं बना रही है, ना खतीजा बना रही है, ना दाई हलीमा की किसी फिक्र बना रही है, सिर्फ हर माँ अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहे। और जब अपना बेटा अगर घर से बाहर जाता है, या स्कूल को या कॉलेजेस को या काम के लिए, तो बोलते हैं माँ खा ले फिर भूखा रहेगा, कोई माँ ये सबक नहीं दे रही बेटे को, वजू से जा अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। तो आप लोगों से सवाल है, सिर्फ मैं 2 ही मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। सबसे पहले गलत है ना, सबसे पहले खुश नसीब होते हैं वो लोग जो वालिदैन का साथ उन्हें नसीब होता है। एक बार जोरदार क्लैप अपने वालिदैन के। और यहाँ के पेरेंट्स के लिए मैं छोटी सी नसीहत करूंगा, अच्छा लगे तो जरूर इस पे अमल करें, अगर अच्छा नहीं लगे तो इससे आप दूर हो जाए। क्योंकि आज अगर हमारे दरमियान में जो हर जगह एक माना जाता है महात्मा गांधी, जब आप महात्मा गांधी की आप रियल लाइफ पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी ने फरमाया, मैंने अपने स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ में मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को फॉलो करा, इसीलिए मैंने ये मुकाम हासिल किया, इसीलिए वो महात्मा बने। एक बार हमारे महात्मा गांधी के लिए लिखा। तो यहाँ पे हमारे बड़े भाई बैठे हैं जिनसे मैं इतना इंस्पायर हूँ, जो हमेशा जहाँ भी जाता हूँ तो कहता हूँ कि इनके तखवे के लिए सलाम, जनाब लईक साहब के लिए जोरदार क्लास किए, जो हजारों सलाम है, जिन्होंने मेरी कम लाइफ में जो मुझे एक चीज बहुत सिखाया, दाऊद अल्लाह कभी जालिमों का साथ नहीं देता। जब वो टाइम में डिग्री के टाइम पे था तो मुझे बहुत खुशी हुई, जहाँ पे हर माँ बाप चाहते कि अपने बच्चे परफॉर्मेंस करें, अपने बच्चे खुशियाँ हासिल करें और अपने बच्चे मुकाम बनाएं, तो आप लोगों से ये एक अदबन रिक्वेस्ट करता हूँ,
आज के दरमियान में हर माँ बाप तड़प रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तड़प रहे हैं ना, तड़प रहे हैं ना। तो कोई फीस के लिए तड़प रहा है, तो खुशियों के लिए तड़प रहा है, मगर आपके बच्चे जब अगर अच्छा नहीं पढ़े तो उन्हें मारो नहीं, उनको डांटो नहीं, उन्हें समझाओ। क्योंकि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब वहाँ उनके पास 10 साल इल्म हासिल करे, तब वो जितने भी गलतियाँ करते तो समझाते थे। आप लोग सिर्फ 4 से 5 घंटे अपने बच्चों को संभालते हैं, मगर इन 700 टीचर्स जो सुबह के 9 या 8 बजे से शाम के 5-6 बजे तक आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए संभालते, इनके लिए जोरदार तालियां। ये वो लोग हैं, आप सिर्फ अपने बच्चों को हिलाए और अल्हम्दुलिल्लाह पका के दिए, टिफिन दिए और पिज्जा दिए और बच्चे चले गए स्कूल को, सिर्फ यही देखते हैं, हाँ मेरा बच्चा जा रहा। कई हमारे माँ बाप इल्म नहीं जानते, बच्चा पढ़ रहा समझते, मगर यही सबसे बड़ी आप लोगों की गलती, यही सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि आप अपने बच्चों के साथ वक्त दो, जब आप अपने बच्चों के साथ वक्त देंगे तो जरूर उनकी कामयाबी होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह पॉइंटर स्कूल का माशाल्लाह बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा, और सबसे ज्यादा मुझे वो अच्छा लगा कि एक जो लड़की जब दरमियान में हज के दरमियान में जो लड़की जो एक मैसेज दी थी, क्योंकि दिखावे का काम नहीं है, रियाकारी का काम नहीं है, आपका मैसेज है वो लोगों को इंस्पायर करने के लिए, उन बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां। और याद रखिए, आज अगर कोई लड़के के साथ या लड़की के साथ गलती होती तो हम उनसे रिश्ता तोड़ देते। वो बचपन के दिन थे जब वो खिलौने टूटते थे, और आज छोटी सी मिसाल, छोटी सी बात के लिए दिल टूट जाते हैं। ये ना करो कभी, इंशाल्लाह। और जितने यहाँ बड़े बैठे हुए हैं सबके घरों में कोलगेट है, पेप्सोडेंट है ना, अच्छे अच्छे ब्रेक्स है, कोई दुबई से ला रहा है, कोई सऊदी से ला रहा है। क्या मेरी आप लोगों से एक दरख्वास्त है, क्या आपके अपने लोगों से कभी मंगा रहे हैं क्या मिसवाक, क्या अपने घरों में मिसवाक है तो हाथ उठाओ। इतने लोगों के घरों में मिसवाक है, ये मिसवाक की अफजल सुन्नत क्या है उन लोगों को नहीं मालूम, और जिसको मालूम है जो एक सुन्नत पे चलेगा तो अल्लाह सुभान अल्लाह उसका मुकाम बुलंद कर देगा। तो खैर, आज का जो बेहतरीन ये स्कूल का परफॉर्मेंस है, ये एनुअल डे हमारा, जब आखिरत का एनुअल डे रहेगा तो मैं अल्लाह से ये दुआ करूंगा कि अल्लाह सारे आलम को अल्लाह जन्नत अता फरमा दे। और साथ ही साथ मुझे बहुत खुशी हुई, आज आंखों में थोड़ा सा आंसू आ गए थे, आज एक वालिद एक अपने बेटे की गुलपोशी करे, तो बस मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, जितने भी वालिद थे अल्लाह उनका साया बरकरार रखे हमारे घर में, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। तो दोस्तों, तो मैं ये बात बता रहा था, छोटी सी बातें हम भुला कर लेते हैं। तो हजरत मूसा अलैहि सलाम का कौल है, एक इंसान मर जाता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उसका जनाजा काफी दिन तक पड़ा हुआ रहता, अल्लाह हुक्म देता है ऐ मूसा जाओ उसका जनाजा पढ़ाओ। तो लोगों ने रोका, ऐ मूसा मत पढ़ाओ, ये बहुत बड़ा गुनहगार है। तो जैसा मूसा अलैहि सलाम जाते हैं और जब उसका जनाजा पढ़ के आके अल्लाह से हम कलाम करते हैं, तो अल्लाह फरमाते हैं, ऐ मूसा ये वो शख्स है जो हमने तुमको किताब दी, ये मोहम्मद का नाम आता था, झूमते थे, तो आज हमारे लोगों को क्या हो गया, छोटी सी बात पे क्यों इतनी नाराज की। और मैं हर स्कूल में सबसे पहले उन लोगों के लिए क्लास के लिए आवाज उठाता हूँ, तो आप सोच सकते हो किसके लिए आवाज उठाता हूँ, आपके स्कूल के आया लोगों के लिए जोरदार क्लास प्लीज। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि बाकी आधा ईमान है, तुम्हारे साथ जो टीचर तुम्हारा मुस्तकबिल करते, तुम्हारी गंदगी साफ करने वाले तुम्हारे आए हैं, उन आयाओं को हजारों सलाम। और प्लीज जो लड़के हो लड़कियां हो, आपके टेंथ के एग्जाम्स के लिए आप जा रहे हैं, और यहाँ पे कई हिंदू टीचर्स को भी देखा, मैं हिंदू स्टूडेंट को भी देखा, कि हमारा हमेशा यही मैसेज रहा कि आप लोगों के लिए एक प्यारा सा मैसेज है, अगर आपको जो एग्जाम में समझ में नहीं आया, जितना आप पढ़े उतना लिख दो, अगर आपके साथ रिजल्ट में कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो आके ये ना करो कि मेरी माँ मेरी वालिद साहब क्या बोलेंगे। आजकलों का स्टूडेंटों का ये रवैया बन चुका है, बड़ी शान से जाके अपनी उस झांसी की रानी समझ के खंभे पैंट के ऊपर साड़ी पहन ले रहे और लटक जा रहे हैं। ना ये लड़का करो ना ये लड़की करो, तुम एक करते हो तो 10 की जान चली जाती है, मगर तुम ये सोचो आज मैं अगर फेल हुई तो क्या इसका रीजन था, मेरी खुद की ना पढ़ने की तरफ से फेल हुई। तो इंशाअल्लाह तआला अल्लाह से मैं ये दुआ करता हूँ कि इस बार पूरे हैदराबाद के बल्कि नहीं इंडिया के ऑल ओवर बच्चे पास हो जाए। बोलो आमीन।
हमारे आमिर साहब का यह मौका दिया कि मौका दिए मुझे। और लास्ट में मैं बता दूं कि देखो आप लोग की फिक्र करो, अपने बेटों को अपनी बेटियों को जो डॉक्टर बना रहे हैं, फला फला बना रहे हैं, तो जाने से पहले यह आखिरी मैसेज है। एक बूढ़े माँ बाप मेहनत कर रहे थे एक गाँव में, तो लोगों की नजर पड़ी डॉक्टर्स की, तो पूछा क्या तुम्हारी औलाद नहीं है? बोले औलाद है। तो कहाँ है? थोड़ा पढ़े स्कूल छोड़े, थोड़ा पढ़े कॉलेज छोड़े, और थोड़ा पढ़े शहर छोड़े, और ज्यादा पढ़ लिए, ज्यादा पढ़ लिए माँ बाप को छोड़े। कुछ भी हो जाओ अपने माँ बाप को नहीं छोड़ना। बोले इंशाल्लाह। माँ बाप मारो या अपने उस्ताद मारो, वो हमारे लिए नसीहत है, तुम सोच नहीं सकते। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हर एक को या दौलत ले लो या शौहरत ले लो, लौटा दो मेरा बचपन, फिर वही कागज की किस्ती वही मुकाम इंशाल्लाह। बहुत बहुत जज़ाकअल्लाह। और बस दुआ करें कि हमेशा से नियत अच्छी रखो। Now I request Dawood Ali Khan to give memento and bouquet to GM Khan sir. Only clap please. करके मेरे बड़े भाई के लिए, हम लोग सबके लिए है ये मैसेज। जिद भी करते हैं, यहाँ भी करते हैं, उस कायनात रब्बुल आलमीन का डर रखते हुए फिर भी छुप छुप के गुनाह करते हैं, तो अल्लाह हमें हर गुनाह से महफूज रखे। जज़ाकअल्लाह। I request Rehman Bek and Akram Bek to come on the stage. Rehman Bek and Akram Bek. Rehman Bek and Akram Bek, principal, Bachpan Star High School, and MK. I request Laif sir to come on the stage, please. Laif sir, please come on the stage. प्लीज आ जाइए एक बार आप जोरदार क्लास प्लीज लाइव भाई के अल्लाह फरमान जाओ इनके फरमानियों पर इनके दीन के काम पे और इनके बच्चों को तो इस तरीके से लेके चलते एक माँ बाप अपने बच्चों को लेके चलते प्लीज सर आप सबके पास है प्लीज प्लीज बड़े भाई प्लीज आइए अल्लाह ताला जब पसंद करता है कई दिन के काम और सबसे पहले क्लास इनके घर वालों के लिए इनके अहलिया के लिए जब भी छुट्टी मिलती है तो दिन पे चले आते हैं सुबह में फोन करो कहाँ है घर पे शाम में फोन करो मैं बीदर में हूँ या कर्नाटक में हूँ इतना बड़ा काम कर I request Hafiz sir to come on this stage. Hafiz sir, math teacher Jangam Me, government high school Jangam Me. I want everybody to kindly clap your hands and thank you for coming on the stage. Thank you. I request Nusrat ma'am, principal and correspondent, scholars Technical High School to come on the stage.